मैं नीता मेहता हैशटैग कुक विद द डिफरेंस में आज बनाऊंगी भरवा मिर्च। तो ऐसे मैंने शिमला मिर्च ले ली है, ज़रा छोटे साइज के लीजिए। और इसके अंदर नॉर्मली जब हम देखते हैं तो लोग भरते हैं इसके अंदर आलू या पनीर। मैं कुछ डिफरेंट करूंगी और मैं भरूंगी इसके अंदर चने की दाल। तो ये देखिए मैंने भिगो के रखी है चने की दाल, अबाउट हाफ एन आवर गर्म पानी में भिगो दी थी एक कप चने की दाल। और ये क्या है, ये है फूल गोभी जो मैंने कद्दूकस करके रखी है। तो अबाउट एक ऐसे साइज के फूल को आप कद्दूकस करके ले लें। और इन सबको आपस में बाइंड करने के लिए, क्योंकि मिर्ची के अंदर हमें भरना है, 200 ग्राम पनीर ले लिया है। अगर आप पनीर नहीं लेना चाहते तो आप इसकी जगह 3-4 आलू भी ले सकते हैं। ये आप देख रहे हैं मैंने छोटी छोटी शिमला मिर्च को ऐसे खोखला कर लिया है। तो करना कैसे है, इसे आप ऊपर से थोड़ा काट लीजिए और यहां से थोड़ा छुरी से ढीला कर लीजिए, काट लीजिए और इसे ऐसे खींच के निकाल लीजिए। अब ये जो अंदर है इसे छुरी से थोड़ा साफ कर लीजिए। नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि इसके अंदर ऐसे ही भर देते हैं फिलिंग जो है, मुझे अच्छा लगता है इसके अंदर थोड़ा सा नींबू का रस डालना, एक चुटकी नमक का डालना और एक चुटकी लाल मिर्च का, और इसे फिर आप चम्मच से या ब्रश से इसे अच्छी तरह से सारी तरफ लगा दीजिए। आप ऐसे हाथ से भी कर सकते हैं, ज़्यादा पता लगता है कि वो सब जगह लग गया है। शिमला मिर्च की फिलिंग बनाने के लिए आप 3 बड़े चम्मच तेल के गरम कर लीजिए। तो तेल गरम हो गया और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून सरसों। सरसों छटक रही है और अब मैं डालूँगी जीरा, अबाउट 1/2 टीस्पून जीरा। जीरे को काला ना करें, ज़रा सा गोल्डन हो जाए, खुशबू आ जाए तो आप इसके अंदर डालें 2 प्याज बारीक कटे हुए। प्याज लाइट गोल्डन हो गया है और इसके अंदर हम डालेंगे 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, थोड़ा भर के डाल सकते हैं। दो मिनट इसे भून लें। आधा टीस्पून सॉल्ट, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर एंड 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप चने की दाल जो मैंने आधा घंटा गर्म पानी में भिगो दिया था। दो मिनट दाल को अच्छे से भून लीजिए। और 1 कप दाल में अबाउट 1/2 कप वाटर डालकर इसे ढक दीजिए। आंच धीमी और ढक के दाल को अब हम पका लेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं और अब दाल को चेक कर लेते हैं। पानी बिल्कुल सूख चुका है, 1 कप दाल में हमने 1/2 कप पानी डाला था और दाल भी ऑलमोस्ट डन है। थोड़ी सी कसर है इसमें दाल में जो अब बाकी सब्जियों के साथ हो जाएगी। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ ये अबाउट 2 कप ग्रेटेड कॉलीफ्लावर या फूल गोभी, एक छोटा फूल गोभी का। 2 मिनट गोभी को भून के इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 2 टमाटर कटे हुए बारीक। थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार और गरम मसाला अबाउट 1 टीस्पून। अब इसे हम ढक देते हैं थोड़ी देर गोभी और टमाटर को सॉफ्ट होने के लिए। गोभी और टमाटर डाले 5-7 मिनट हो गए हैं, अब चेक कर लेते हैं।
बिल्डिंग ड्राई है बिल्कुल, पर ये देख लेते हैं कि दाल पूरी पक गई है और गोभी भी कच्ची ना लगे। गोभी बहुत अच्छी लग रही है, ब्लेंड हो गई है ठीक से, पता भी नहीं लग रहा। और अब सब्जी भी खा लेंगे, पर थोड़ा सा टेस्ट गोभी का अच्छा लग रहा है दाल के साथ। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पनीर, या जैसे मैंने आपको बताया थोड़ा सा आलू, उबला हुआ आलू भी आप डाल सकते हैं, थोड़ा सा हरा धनिया। हमारी फिलिंग तैयार है, थोड़ी गर्म है, कोई बात नहीं। अब इसके अंदर हम भर देंगे अच्छी तरह दबा कर। और इसके ऊपर जो ये इसका लिड था वो लगा दीजिए, और इसे अब आप टूथपिक से बंद कर दीजिए। ऊपर वाले से नीचे की तरफ थोड़ा निकाल लीजिए, तो ये आपके ऐसे बंद हो गए। पैन में थोड़ा सा तेल ले लें, अबाउट 2-3 चम्मच। और इसी तरह सारे जो शिमला मिर्च है पैन में छोड़ दें। मैंने सारी शिमला मिर्च तेल में डाल दी है, और अब इसे 2-3 मिनट छोड़ दें ऐसे। उसके बाद इसे पलट लें, एक साइड से थोड़ी सी ये गोल्डन सी हो जाएगी, ये देखिए वाइटिश हो रही है। आप ये टूथपिक से ही इसे पलट सकते हैं। ये देखिए अच्छा गोल्डन कलर आ रहा है, वाइटिश एंड ब्राउन स्पॉट। अब धीमी आंच करके इसे ढक दीजिए 15-20 मिनट के लिए, बीच बीच में पलटते रहिए जिससे ये मिर्ची पक जाए आपकी। 10-12 मिनट हो चुके हैं मिर्चियों को पकते हुए। अगर मैं हाथ लगा के देखती हूँ तो ये सॉफ्ट भी हैं और वेल कुक्ड भी लग रही हैं, तो मैं गैस बंद कर देती हूँ। ये मिर्ची को हम काट के देख लेते हैं, और सर्व भी आप काट के करें तो ज़्यादा अच्छा है। और काटने के लिए अगर आप ऐसी ब्रेड नाइफ ले लेंगे तो ज़्यादा इजीली आप काट सकेंगे। तो ये देखिए बढ़िया सी फिलिंग दिख रही है। आप चाहें तो साबुत भी सर्व कर सकते हैं। और हमारी ये हेल्दी भरवा मिर्च तैयार है विद अ दाल एंड गोभी की फिलिंग। मेरे मसाले आप मेरी साइट neetamehta.com या Amazon से ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नीता मेहता ऑन YouTube चैनल। थैंक यू।